कहाँ जा रहे हो? जोर से बोलो। नैन्सी गया। तो आज जिंजर हमारी यहीं पर रहेगी, है ना? उसे खिला दिया, भी सोती रहेगी, क्योंकि बाहर ट्रैफिक में जाके ना इसको थोड़ा सा। चलो जिंजर। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। किस तरह दिखाऊं? अरहम अर्श, पत्तों वत्तों पर अगर दिख रही है तो ठीक है। इन पत्तों पे दिखेगा ना। हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी, ये थी 2022 की पहली बारिश, और इतनी खूबसूरत बारिश हो गई थी। हम लोग मम्मी के यहाँ निकल रहे थे, बट फिर बारिश हो गई, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करके बस हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और उसके नेक्स्ट डे तो बहुत ही बरस के बारिश हुई थी। और जी, बस मम्मी के यहाँ कुछ ऐसा प्लान नहीं था, उसका शाबान का जो रोज़ा होता है 16 तारीख का। जोनस, बिंदा, किसको है? ये किसको जोनस? जोनो बाबू, ये पाला पाला बाबू है ये। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी के प्लान्स कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो जी, बस मैं मम्मी के घर आ गई थी और प्रिपरेशन चल रही थी, और ये पापा कुछ ट्राई कर रहे थे दही बड़े। तो पापा ने कहा आज दही बड़े हैं, मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बनाइए बनाइए। देख आज मेरा छून हो गया। अल्लाह, किस तरह? तो जी, बस मैं थोड़ी सी हेल्प कराने लगी। मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह कट कर लिया और फ्रूट चाट बना ली थी। बाकी खाना वगैरह मम्मी ने पहले ही रेडी कर दिया था, क्योंकि जब भी कुछ, मतलब मैं वही कहती हूँ ना, मम्मी तो वही हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल खाना बनाती हैं। और जब भी कुछ, मतलब ऐसा होता है, वहाँ पर शलजम गोश्त बनते थे, तो यहाँ पर शलजम तो नहीं मिलता, बट मम्मी किसी भी तरह कुछ सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन करके वो कुछ वहाँ का टेस्ट लेके आ जाती हैं। तो बस मैं मम्मी ने खाना वगैरह बना लिया था, और बच्चे ये कुछ फ्रूट्स वगैरह लगा रहे थे, इस तरह जैसे होता है ना स्टिक में, बारबेक्यू स्टाइल में, तो वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। तो जी, जो मगरिब का टाइम था वो हो गया था, दस्तर खान माशाल्लाह से लगा दिया था, और शहबाज भी मम्मी की हेल्प करा रहा था बीच में कुछ कुछ ग्लास रख के, बाकी कुछ नहीं उसने करा, सिर्फ 2 ग्लास रख के। तो खैर नहीं, वो बहुत हेल्प कराता है, बट ये मैं सिर्फ छेड़ने के लिए, क्योंकि वो भी देखता है ना, इसलिए मैं उसको छेड़ती रहती हूँ। और हमारा मगरिब का टाइम हो गया था, और अब पापा लगा के देंगे हमें दही बड़े की जो प्लेट होती है। तो मैं सोची थी, आए हैं पापा मेरे लिए बना रहे हैं, मुझे करके देंगे, और पापा को खुद टेस्ट करना था। पापा टेस्ट करके कहते हैं, हाँ कितना अच्छा बन गया, तो बहुत अच्छा बन गया। और मैं पापा को देखती रह गई, मैंने कहा ये क्या हुआ, मुझे तो दिया ही नहीं, मुझे लगा मेरे लिए बना रहे हैं। तो मम्मी एकदम से, आए कोई बात नहीं, तू तो मेहमान है, मैं बना के देती हूँ। तो मतलब ऐसे ही हमारी नोकझोंक वगैरह चलती रहती है। और बस फिर ये मम्मी मुझे लगा के दे रही थी। और वैसे तो मुझे फ्रूट चाट बहुत पसंद है, सारे फ्रूट्स कट करके उस पर चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, और उसके अंदर लाल मिर्च, लेमन वगैरह डाल के, चीनी डाल के खाओ तो बड़ा मस्त रहता है, कभी आप ट्राई कीजिएगा। और बस खाना वगैरह खा के हम लोग फारिग हो गए थे, और इतना हैवी हो गया था, तो लास्ट में ये मैंने बना दी थी ग्रीन टी। हटो आप। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।